हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी। एचसीईआरटी यानी कि स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है वो मैं पढ़ देता हूँ। सब्जेक्ट एंगेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसोर्सेज पर्सन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। द एचसीईआरटी पर्पज टू एंगेज 158 सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसोर्सेज पर्सन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज फॉलोइंग डिटेल्स। सो ये आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट म्यूज़िक, कंप्यूटर एजुकेशन एंड कंप्यूटर एडेड लर्निंग। टोटल जो है 80 मार्क्स होंगे। ओबीसी के लिए 43, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 12 और टोटल जो है 158। तो ये इतनी आपकी 158 आपकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन की जो जितनी भी पोस्ट हैं वो सब लिखी हुई हैं। तो एंगेजमेंट विल बी फॉलोइंग ऑफ द टर्म एंड कंडीशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। तो सब्जेक्ट इन विच पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री इज़ मिनिमम 55%। तो ये जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको अगर अपनी पोस्ट चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस इन अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के टोटल मिला के 55% मार्क्स होने चाहिए। सोशल साइंस के लिए इकोनॉमिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिकोलॉजी, फिलोसफी एंड अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन, MPED, MPE, स्पोर्ट्स साइंस, आर्ट साइंस के लिए फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट, कंप्यूटर एजुकेशन और कंप्यूटर एडेड लर्निंग के लिए मास्टर डिग्री इन साइंस विद PGDCA और BTech इन कंप्यूटर साइंस, सब के लिए 55% मिनिमम होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस डिग्री इन एजुकेशन BEd एक्सेप्ट फॉर पोस्ट मेंशन एट सीरीज नंबर 6, 7, 8 एंड 9। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी में। इसके बाद कैंडिडेट्स हु पोजेस MEd डिग्री विद एग्जेम्प्टेड फॉर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। जिनके पास MEd की डिग्री है उनको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया जाता है, वो उनको ज़रूरी नहीं है। Not more than 45 years as last date of submission of application. Application के last date तक भी आपकी 845 होनी चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Initially the subject specific resources person will be engaged up to 31/3/2020. However, the engagement extendable beyond 31/3/2020 subject to performing review, performance review. इसके बाद जो है आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसोर्सेज पर्सन शैल बी पेड कंसोलिडेटेड रेमुनरेशन ऑफ 50,798 पर मंथ। इतना तो आपको पे होना ही चाहिए। और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ जो है लिखी हुई हैं, टू प्लान, प्रोवाइड नीड बेसिस एकेडमिक रिसोर्सेज सपोर्ट और टू प्लान ऑर्गेनाइज वर्कशॉप फॉर एकेडमिक डेवलपमेंट, टू टेक सुपरविजन मॉनिटरिंग वर्क एज असाइंड, टू डिज़ाइन एंड प्रिपेयर टीचिंग लर्निंग मटीरियल। और इसके बाद जनरल कंडीशंस लिखी हुई है, द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और नॉट हैविंग डिग्री इन एजुकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। इसके बाद जिनके पास एजुकेशनल डिग्री नहीं है सब्जेक्ट की, तो वो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद और डिटेल्स हैं, जैसे कि contractual subject specific person will work during duty hours prescribed. Mode of application जो है, candidates will apply online on the home page. तो आप online apply कर सकते हैं home page पर www.edudel.nic.in पर जाकर, और उसमें recruitment के link पर click कर जो आपकी मॉड्यूल है सबमिशन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 27 जनवरी 2020। तो अगर आप टीचर की पोस्ट चाहते हैं और आप एप्लीकेशन फिल करें, 27 तारीख लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फिल करने की। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और
आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ज़रूर यहाँ पर ट्राई करना चाहिए अगर आप टीचिंग की पोस्ट ढूंढ रहे हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहा है तो हमारी हेल्पलाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, आप वहाँ पर फ़ोन करके कोई भी अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज़ या फिर ऑनलाइन जो क्लासरूम कोर्स है हमारा उसको ऑनलाइन बुक करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.kushmanda.com पर जाकर बुक कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड वेट फॉर आर नेक्स्ट वीडियो। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।